गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आज दिखाने जा रहा हूँ एक कलर का मतलब पेंटिंग कैसे होता है। यानी एक कलर से जो पेंटिंग बनाएंगे हम उसको कहते हैं मोनोक्रोम कलर। मोनोक्रोम कलर किसको कहते हैं ये कोई भी पूछेगा, तो फिर हम लोग का होता है क्या मोनोक्रोम कलर, कोई भी पेंटिंग या कोई भी लैंडस्केप, कोई भी कंपोजिशन, कोई भी ह्यूमन बॉडी का मतलब एक कलर से मतलब पूरा कंप्लीट मतलब ह्यूमन बॉडी बना के दिखाएं, तो उसी को कहते हैं हम लोग, उसी को कहेंगे मतलब क्या है मोनोक्रोम कलर। जैसे हम इस मतलब पेस में, एक साधा सा पेस है ये, और इसमें एक पेंटिंग बनाएंगे सिर्फ एक कलर से। जब मैंने एक कलर से पेंटिंग कंप्लीट करूंगा तो फिर उसी को कहते हैं हम मोनोक्रोम कलर। जैसे हम आप उसी को मतलब दिखाने जा रहे हो, ठीक है। पहले मैंने देखो कलर लिए, ये बहुत सारे कलर्स है, इसी में से सिर्फ हम ब्लू कलर से इस्तेमाल करेंगे। ब्लू कलर से एक पेंटिंग कंप्लीट करके दिखाऊंगा मैं। और फिर ये कलर टू ले लिया, मार प्लस और ब्रश भी ले लिया, पानी भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने जा रहा हूँ दिखाने के लिए एक मोनोक्रोम कलर। जैसे मैंने सबसे पहले पानी फॉलो कर लिए, जैसे इसमें पानी फॉलो कर लिए, मैं कोई ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्ट मैं ऐसे मोनोक्रोम कलर करने के लिए जा रहा हूँ। ये है मोनोक्रोम कलर। अब मैं मोनोक्रोम कलर से करने जा रहा हूँ एक कलर। इसी को डार्क लाइट मतलब निकालना है मुझे। ये है सिर्फ एक ही कलर करना है, इसमें कोई कलर मिस करके मतलब एक कलर भी निकल सकते हैं, ठीक है। दो तीन कलर मिस करके एक ही कलर देखना सही है उसमें, तब भी वो भी मोनोक्रोम ही होगा आपका। ये दिखा रहा हूं मैं मोनोक्रोम कलर। ये है मेरा पहला कोट है मोनोक्रोम कलर का पहला कोट। इसमें हम डार्ट डाल सकते हो, बिल्कुल डार्ट भी डाल सकते हो इसमें इस तरीके से। ये मैंने जो पहले फास्ट को डाल लिया और थोड़ा सा ड्राई करने दे दिया मैंने, और ड्राई हो गया थोड़ा बहुत। अब मैंने इसको डाल सकते कलर। और सेकेंड कोट में और भी ज्यादा डार्क टोन डालना है मुझे। ऐसे में हल्के से मैं रेड मिक्स कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि डार्क टोन डालने के लिए। जैसे देखो मैं यहां से डालता हूँ मैं। ये सेकेंड कोट मेरा। ये सेकेंड कोट डाल रहा हूँ मैं। जो मेरा मोनोक्रोम कलर होता है डायरेक्ट एक ही कलर से मतलब डार्क टू लाइट निकलना है, तब जाके मतलब वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं शेडो। शेडिंग कैसे, जैसे पेंसिल, हम लोग सिर्फ पेंसिल शेडिंग ही नहीं होता है, हम लोग का कलर शेडिंग भी होता है। फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, थर्ड कोट डाल के हम लोग को वो कलर ब्राइटनेस मतलब डालना होता है, तब जाके हम लोग का पेंटिंग फाइनल होता है। ये देखो आप में इसमें भी डार्क टोन डाल लूंगा। अब मैं छोटे से ब्रश लेके आप थोड़ा सा ये डाल सकता हूँ क्या है? मैं यहां से लेके जा रहा हूँ। अब देखो मैंने ये दिखा दिए मतलब जैसे ये फाइनल कोट, कहीं के फाइनल कोट होते जा रहे हैं और कहीं के फर्स्ट कोट ही चल रहा है, फर्स्ट कोट सेकंड कोट। अब जैसे मैंने यहाँ नीचे से ग्रास भी डाल दिया, यहाँ थोड़ा डार्ट डालना है इसमें, डार्ट टोन।
इसमें हल्का सा ग्रास डाला है हमने, एक ही कलर से निकल रहा है मतलब, क्योंकि मोनोक्रोम कलर है ये, इसको कहते हैं ना हम लोग मोनोक्रोम कलर। जैसे मोनोक्रोम का है मतलब एक पेंटिंग बनाने जाएंगे तो फिर कैसे बनाना है आपको, ये दिखा रहा हूँ मैं अभी मोनोक्रोम कलर से। ये है मोनोक्रोम कलर, लाइट टू डार्क भी डाल सकते हो आप, ऊपर से लाइट और सूखने के बाद, और फिर इसमें डार्क टोन डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, और इस साइड से भी डालूंगा मैं। जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो छोटा होते जाएंगे और क्या है लाइट होते जाएगा, आप यहाँ डार्क टोन आ जाएंगे। जैसे इसमें हल्का हल्का फ्लावर्स तरह भी डाल सकते हैं मैं, ऐसे लाइट टू डार्क, ऐसे मन के सिर्फ फ्लावर्स है ये, ठीक है। ऐसे ब्रश घुमा दिया मैंने, अब मैंने फाइनल कोड देके जा रहा हूँ अभी, अब ये फाइनल कोड है। ये फाइनल कलर होते जा रहा है मेरा, यानी कोई भी काम करेंगे तो हम पेंसिल हो या कलर, जैसे फर्स्ट कोट सेकेंड कोट थर्ड कोट होता है, थर्ड कोट में मतलब फाइनल होते जा रहा है, चाहे वाटर कलर करो, चाहे पोस्टर कलर, चाहे एक्रेलिक या ऑयल कलर, पर आपका थर्ड कोट तो डालना ही है मुझे। आप देखो मैंने इसमें भी डाल लिया, इसमें डालना है थोड़ा तो बहुत छोटा छोटा करके, ये छोटे छोटे लाइन से डालना है मुझे यू करके। देखो सारा मोनोक्रोम कलर ही है इससे, मतलब एक ही कलर से मतलब बना रहा हूं मैं, है ना, लाइट डार्क। क्यों निकल मैं हाँ क्यों निकल मैं कि बस है थकती क्या थक ये है मोनोक्रोम कलर का फाइनल, जैसे फाइनल कोड आप, ठीक है। ये रोड का भी थोड़ा सा फाइनल डाल दिया मैंने, ये फाइनल हो गया, देखो मोनोक्रोम कलर फाइनल हो गया मेरा। ये देखो मोनोक्रोम में मतलब क्या है, एक लैंडस्केप बन गया, लैंडस्केप टाइप हो गया, ठीक है। एक ही कलर से हम जो मतलब कलर टोन मतलब फर्स्ट कोन सेकंड कोन थर्ड कोन डालेंगे उसी को कहते हैं हम लोग मोनोक्रोम कलर। जैसे एक कलर